अस्सलाम वालेकुम जी। तुहाड़ा अपना लकी आम आदमी की तरह गल करेगा। अज मैं एक ऐसी चीज़ लैके आया है, शायद टॉपिक काफ़ी देर तो चल रहा है, तुसी कुछ वीडियो भी देख रहे होवोगे कि टिकटॉक के उपर कुछ चीज़ें ऐसा चल रही हैं जड़ियाँ राजा आदल ते शेर अफजल मरवत तो बाद शुरू हुई। लोगों ने आपस दे विच एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया। हर बंदा जिहड़ा शेर अफजल मरवत दे नाल खड़ा सी या जिहड़े बंदे शेर अफजल मरवत दे नाल खड़े सीगे जिन्हां ने उन्हां दी साइड लई सर उस उन्हां दे मां भैन दीआं फोटोआं टंगीआं गईआं। उन्हां दे विचों कई ने रिएक्ट किया, कई ने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि लोग जिहड़े आ सिर्फ और सिर्फ लाइक व्यू के चक्कर दे विच कई चीज़ ऐसियां नूं पिक ही नहीं करते। उन्हां विचों एक बंदा जिहड़ा सीगा मैं सीगा सर, मेरी फैमिली नूं टारगेट किया गया, लेकिन मैं उस तों बाद एक बिड़ा उठाया कि क्योंकि मैं चीज़ां 2 साल तो तकरीबन फेस कर रहे हैं, मैं क्या भी हुण चुप करके नहीं बैठना, मैं लोगों को एक्सपोज करना शुरू किया, क्योंकि कुछ लोग आ उन्हां दी स्ट्रैटजी इदा है कि ये लोग जिहड़े आ सारे बैक ते प्लैनिंग करके लोगों को टारगेट करते हैं। अगर वो बंदा इन्हां दीआं गालां तों डरे डर के नस जाए तो ठीक है, नहीं तो सर फिर उहदीआं मां भैण दीआं जिहड़ियां फोटोआं उह टंगदे आ, अगर वो रिएक्ट करे तो फिर सर वो खिलाफ जिहड़ा एक प्रोपेगंडा टाइप हर बंदे नूं उहदे खिलाफ करी जाणा, उहदी गल ना सुननी, इस तरह दीआं चीज़ां चलदियां। इस लई मैं एक स्टोरी लैके तुहाडे नाल चल रहे हैं बड़ी देर तो। उहदे विच कुछ बंदे आ जिन्हां विचों एक बंदा है बिलाल यकूब, अरसलान गुजर, खान कूल दे नाम जुबैर साहब है, एक बंदा सगितोरियस है, ये सगितोरियस जिहड़ा है सर बंदा काशिफ है एस आई डी दे पिछे, ये बंदा सर इन्हां नूं अपना कंधा फराहम करदा है। और ये लोग कोई भी गलत काम कर रहे होण उहनूं सर ये सही प्रूफ करन दी कोशिश करदा है। आओ मैं तुहानूं एक रिकॉर्डिंग च सुनाना जिहदे विच ये लोग जिहड़े आ सर एक बंदा है एजाज मलिक एजाज सर उहनूं टारगेट कर रहे आ और मैनूं टारगेट कर रहे। इहदा मकसद कोई व्यू लैणा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों नूं एक्सपोज करना है कि सर लोग जिहड़े बाहर बैठे आ अपने मुल्क तों दूर अपनियां फैमिलियां तों दूर बैठ के ते की इत्थे गंद घोल रहे। आओ तुहानूं दिखाना है एक रिकॉर्डिंग तो शुरू करदा, इहदे विच एक ऐसी हस्ती भी है जिहनूं लोग बहुत ज़्यादा पसंद करदे आ लेकिन आके बैठे ठीक है। कीड़े तो मुलाको मुलाको की तरह नहीं सामने बैठ के ओए कीड़े तो गल याद आई ओ कश भाई बकर प्यास ते किसे नु नहीं चकना ओ यार एक तो तू बड़ी शाही है भाई विद डू माय परमिशन कीड़े तो लाल भाई आपस में इख्तलाफ खत्म करें यार। अच्छा इख्तलाफ है नहीं हमदान भाई, कभी आपने हमारे मुंह से जिक्र सुने हमारी आईडियों पे उस वीडियो देखी कोई ऐसी वैसी वो डाल रहे हैं ना वो इस किस्म के काम कर रहे हैं तो करने दे एज यू विश नजर और मुर्शिद बैठे हुए थे वो नहीं है इंग्लैंड से वो भी कोई अच्छे लगे हुए थे। मैंने कहा आपस में आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, बोलते हैं आपको अच्छा जो लगता है उधर आप जाओ तो आप इधर आओ तो देखो आप। मैंने कहा आपस में इख्तलाफात ही थोड़े बहुत कोई 19-20 ही है, ऐसे अच्छा नहीं, दूसरी ब्रोडों को स्पेस मिल रही है आप आपस में लगे। नहीं हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, वो मलिक इजाद या ये राजपूत है या ये लक्की, अगर वो जबरदस्ती अपनी बहन का रिश्ता देना चाहते हैं तो किसी को दें, जरूरतमंद को, हमें तो नहीं। हर बंदे का अपना स्टाइल। ज़रा लैंग्वेज चेक करो जी, ये सर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, इमरान खान के नाम के ऊपर ये लोग अपने अकाउंट चला रहे हैं। जैसे आमिर भाई आते हैं या कोई भी बंदा आता है कोई, जो ये लोग तो यूरोपियन जो हैं ये तो नए आए हैं तकरीबन ऐसे लाइव टिकटॉक पे, हम तो काफी अरसा हो गए ये चल रहा है सिलसिला। सर असल में बात तो वो तो कहते हैं बिलाल भाई, नहीं वो तो बिलाल कहते हैं मतलब बादशाही हम बिलाल भाई ऐसे लगे हुए इनकार किए जा रहे हैं। तो कुछ बिलाल तो भाई इनकवारे भाई ने कभी ख्याल किया था ये जो गर्ल ग्रुप है ये तो बहुत पहले, नहीं मलिक इतना गंदा बंदा उसकी फैमिली इतनी गंदी होगी माविया भाई की फायदा रिश्ता। सर बिलाल यकूब बंदा बोल रहा और कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है और लाइव बैठे है, पता नहीं किन्ने लोग इन्होंने सुन रहे हैं नीचे, कोई लाभ जाए फिलहाल वेखांगे ना, जे गंदी होई टोल जाएगी चेक कर लांगे। छोड़ दो यार रमजान, छोड़ दबा करो यार रमजान का महीने तो। नहीं सही कनौली साहब हम गलत बात तो नहीं कर रहे, निकाह नहीं, की हम रिश्ते की नहीं, मेरी बात सुनो, निकाह की निकाह हलाल ये चीजें ये देख लो किस तरह चीजों को मैनिपुलेट कर रहे, मतलब कि लफ्ज बोल रहे और टीज कर रहे हैं। रोजे के बाद इंशाल्लाह ताला फिर निपटेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा फायदा ही नहीं। रोजों के बाद निपटेंगे का मतलब है कि सर ये
फिर माँ भैन दी फोटो टंगन गए अगे। देखो बड़ी लंबी रिकॉर्डिंग है लेकिन बड़े ही तहमल ना सुननी पैनी था। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, बस ये आपस में इख्तलाफ खत्म करें और जिस मकसद के लिए लगे हुए हैं उस पे डटे रहें, बस आपस में लेकिन ये झगड़े खत्म करें। हमदान भाई मसला नहीं है लेकिन हमदान भाई मेरी बात सुनो, बात ये हम यहाँ किसके लिए बैठे हुए, खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए, ठीक हो ठीक हो गया। लेकिन अब बात यह है कि चाहे कोई हमारा अपना भी है ना, हमारी में अगर आके उंगली देगा तो फिर बाजू की तवक्का रखे हमारे से। ये तो एक लफ्ज में काट देता है, उंगली किथे देनी सी उन्होंने किया है लेकिन मैं उन्होंने काट देता है। बस कुछ लोग जो नए आए हैं ना वो टिकटॉक को समझते नहीं है ना, हर आदमी हर बंदे का अपना स्टाइल है एक टिकटॉक। रमजान भाई मर्द के मर्द के मर्द के बच्चा वो होते हैं जो फेस पे आके और फिर आके बात करे, ये क्या बात है फेक आइडिया बना के और फिर ये तो कुछ लोग बिलाल भाई ये समझते है ना कि गलम गलोच से जो है ये सही नहीं है, और जैसे वो नए लोग आते है ना तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जैसे कोई बात करता है तो उसको ऐसे जवाब देना पड़ता है इसमें। ना बिल्कुल क्या करें मजबूरी है ना, वो खान साहब की फोटो लगा लें कल में। नहीं बात ये वालेकुम सलाम अरसलान भाई, क्या हाल है जी, वेलकम हो गया। अब हमदान भाई देखो मेरी बात सुनो, या तो बंदा खुद इतना दूध का धुला हो ठीक है, खुद इतना हाजी हो, जब आप खुद ब्रॉड पे किसी पे भी बैठे हुए कह रहे हैं कि जी इस सिस्टम की भी बहन को इनकी माँ को तो ठीक है, तो गाली तो आपने दे दी, चाहे सिस्टम को दे दी, चाहे नवाज शरीफ को दे दी, चाहे जरदारी को दे दी, चाहे हमें दे दी, गाली पे अगर कोई एतराज करता है उसने गाली तो दे दी, चाहे किसी को भी दी गाली उसने, बात ये नहीं है, तो फिर दूसरे की गाली पे क्यों एतराज है उसको। गाली का एतराज यह है कि सर मैं इतने एक बहुत स्ट्रोंग मेरा आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट यह है कि सर तुम नॉन लीग वाले गालां कढ रहे थे नहीं लोगों ने रोकया ठीक है, लेकिन यह जो लोग है सर ये अपने लोगों को गालां कढ़ते हैं, अपने लोग आपे ही उन्होंने जी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लोग पंजाब पुलिस नहीं काम करती, इस तरह ही ये पंजाब पुलिस की तरह काम करते हैं, जिसकी गल ना पसंद आए जिहड़ा बंदा इन्हां दे उपर डोमीनेट करन की कोशिश करे, जिन्हों लोग ज़्यादा सुनने की कोशिश करन, सर ये उन्हां उहदी माँ भैन की फोटो टंग के और गालियाँ कढ़ते हैं, तो ऐसे की तौरी एक काशिफ नाम की आईडी जो बंदा बोल रहा है। यही बात है ना, इधर बस वो ग्रुप जो है ना बिलाल भाई को पता है बहुत पुराने हैं टिकटॉक पे, के जो जो ग्रुप आते हैं ना जो गाली वाले ग्रुप हैं उनको भी हैंडल करना पड़ता है, वो जब पीटीआई वाले सब जो हैं वो हमदान भाई अगर गालियां ना दें ना कब सीधी की तो ये हमारे यकीन करें चलने ना दें ये लोग। देखिए गालियां असी ना दईए ना तो कहिंदे सानू चलन ना देन, तुसीं एडा किहड़ा काम कर रहे जे भी तुहानू गालियां देनियां पैंदियां अपने लोगों नू। वजह अगे जिहड़ी इन्हां ने जबान इस्तेमाल कीती उहदे विच मैं काफ़ी लफ्ज़ जिहड़े ना म्यूट कर दित्ते है वो सुनाउण वाले नहीं, लेकिन नहीं तुसीं अपना गलबात चैक करो जरा की गुफ्तगू हो रही। फलसफी जो अपना फलसफा झड़ते रहते हैं वो ऐसे काम। बिलाल भाई क्या हाल है? सही है बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, आप मेहरबानी करें जो नजरियाती वर्कर है ना उनको थोड़ा मिला के चलें, थोड़ा अगर आपस में कोई इख्तलाफात हैं तो वो दूर करें प्लीज। नहीं नहीं वो इजाद मलिक गांडू तो नजरियाती है, हमने कौन सा गैर नजरियाती कहा है सुना? या हमने कौन सा लकी को कुछ कहा है, किसी को हमने कहा अब लकी तो वो फ्री में अपनी माँ पेश करने लगा हुआ दिन रात हमारे पे वीडियो डालने में। वालेकुम सलाम, मलिक साहब जिन उनके साथ बैठे वो लकी जो है उसको तो छोड़े हैं, वो तो ऐसे जिंदाबाद जी इमरान खान। यासिर अस्सलाम वालेकुम, लकी किसी का आज यार नया स्टाइल आएगा नहीं टिकटॉक दे उते चस आएगा एक बारी आवाम नु कि कोई आया टिकटॉक। हां यार छोड़ो उसको, लकी फजूल इंसान है यार, तुम लोग उस बंदे को इतना क्यों हाइप दे रहे हो कि उसको जो कुत्ते नहीं जानते तुम लोग उसको इतना नाम ले लेके, यार दफा करो उसको। नहीं किसी बंदे का नाम लो, वो कोई बंदा है यार। यार मैंने नाम लिया, मैं ये बता रहा हूँ कि टिकटॉक पे कुछ ऐसा नया आएगा, देखो दफा करो उसको। सईद भाई मैं ये पूछ रहा था ये जो जरदारी की वीडियो चल रही है। ओए चीमा वेलकम हो गया चीमा। सईद भाई हाँ जी,
इसका क्या है, ये सच है झूठ है क्या? किस पे साहब? अगर अगर मलिक इजाज की बिहार पे तुमने हमें तैयार करना है ना, तो हम तैयार हैं, मोस्ट एंड वेलकम। ठीक है, क्यों बिलाल भाई जी? कूल कूल भाई के साथ तो, और दूसरे आमिर भाई के साथ भी है। अरे कूल साहब माशाल्लाह गालां लिख के देंदे इन्हां नूं, उन्हें तो मुसनफ है। दूसरा जरा अमर है सर, यह बंदा जरा जर्मनी च है, और यह बंदा इतने गालों का हैड है, यह गल्फ ग्रुप है ना, जो पी टी आई गल्फ ग्रुप। ये लोग दूसरे नहीं गाला कड़ते ज़्यादा, अपने लोगों को गाला कड़ते, क्योंकि लोगों की गल नहीं पसंद आती। ये एक नीचे बंदा मैसेज कर रहा, वह मैं तुम्हें दिखाया नहीं, चीमे ना का बंदा है, वो ना मसरूफ है। तुम्हारी मेहरबानी, अगर तुम्हें हमारी ब्रॉड अच्छी नहीं लगती तो मेरा भाई मत आया करो, तुम उधर मलिक इजाज की ब्रॉड पे जाया करो। नहीं बिलाल भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। बिलाल भाई अगर लेना तो मैं नीचे चला जाता हूँ, इसको ले लो। अर्शद नहीं नहीं, वो मलिक इजाज की ब्रॉड पे जाएगा। हमें 10,000 नून लीग वाले गालियां दे देते हैं, 4 ये दे देगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? कोई बात नहीं यासिर भाई, राजपूत यासिर राजपूत दिन सुबह से शाम तक दे रहा, तो कौन सी परेशानी है? ये किसी की धौंस धमकी हम नहीं सहते, सीधी बात है। नहीं यार, ना किसी को फालतू की बात करते हैं ना फालतू की सुनते हैं। बिलाल भाई एक मिनट, चीमा बात ये है, मेरी बात सुनो भाई, आप हमेशा यार क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं काशिप भाई? ठीक है, उनको तो समझाओ जाके, वो जिधर खड़ा है उसको बेस्ट है वो वहीं। ठीक है, ऐसे झूठे इल्जाम लगाना या झूठी बकवास याद करना दूसरों के ऊपर, ठीक है, ये कोई ये कहाँ का तरीका है? छोड़ दो, छोड़ हम यार। खान साहब के लिए हैं, हम किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ना हम किसी को ओन करते हैं ना कोई यार। अपने बंदे का चीमा ये काम होता है कि मैटर खत्म कराए, ना कि तू उसको हवा देवे। चीमा उसको थोड़ा समझाओ, मलक का बोलो तो मैं पहुंचा हूँ मलक के पास, मैं नजदीक हूँ भाई। वो जो उसके जो साथ बैठने वाले कहते हैं कि हम हमने हमारे दोस्तों ने किसी की माँ को लटकाया या बेटी को लटकाया, यार कोई सबूत तो दो हमें, दो हमें। अगे ये सबूत चलना है, ये वीडियो इन्होंने पाइया सी, ठीक है, मेरी फैमिली दी इन्होंने ना फोटो लगाइया सी, तो वो मैं गुस्सा चढ़िया, क्योंकि लोग इस तरह ही करते, मैं रिएक्ट किया, और इतना झूठे लोग है इन्हों के ही लोग जोड़े आ। मैं हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ऐसे गितोरियस है, इस बंद मूँह के उपर किया है, आई एम चांद के नाँ की आई डी है, उस बंद ने मूँह तो किया कि सर मैनू उन्हें लकी ने भेजी है वीडियो, लेकिन यह बंदा जिथे जा रहा जो उत्थे एक गल कर रहा, मैनू प्रूफ दौ, मेरी अलग ये कभी गल ही नहीं हुई, किसी जगह पर भी गल नहीं हुई। और इन लोगों का काम ही ये है, पता नहीं ये कितों आए है, कितने बैठे है, की करते हैं सारी दिहाड़ी, ये लोगों दिया मावं भैन टंग दे, बस उन्होंने फोटो ला के तो गंदियां गाला कढ़निया, यही काम है इन्हों का यार। सबूत तो फिर उसके बाद हम देखते हैं यार। काशिप भाई यार, हम ही काम का मेरे नाम ना लगाओ, लास्ट राशि का ना करें यार, क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? छोड़ो यार, ठीक है, ऐ सर सबूत है, मुंह दे ऊपर कह रहे हैं, तकरीबन एक हफ्ता पहले की गल है, लेकिन बंदा एक हफ्ता बाद भी यही गल कर रहा है, तो सबूत दियो सबूत दियो, उस बंदे ने मुंह ते गल की है, सुनियो जरा। देखें किसी भी बंदे की अनदेखी बात के ऊपर यकीन ना करें, ठीक हो गया? अगर कोई कहता है कि मेरी माँ को किसी ने मतलब गालियां दी हैं, उससे आप प्रूफ मांगे, अगर वो प्रूफ देता है, जो बंदा उसका गुनहगार होगा, मैं आपके कटहरे में उसको खुद लेके आऊंगा। आपके कहने का मतलब ये है कि वो मतलब झूठ बोल रहा है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप उसे कहें ना कोई स्क्रीनशॉट, कोई किसी की वीडियो उसने मतलब दिखा देना प्लीज। इतने बेशरम लोग है कि कहते भी वीडियो असी ताडे ते पाई है, तुहानू अगर वीडियो मिली है तो तुसी सानू शेयर करो, मतलब कि मैं वो वीडियो रिपोर्ट ना करा, उन्हू डिलीट ना करवावा, लेकिन इन्हों शेयर करा, भी हर बंदे का करैक्टर इन्ना अर्ग है कि इन्होंने दईए भी है, कौन है, कौन लोग है, मैं तो तुसी एडे मुनसफ कौन लोग जे? तो ऐसे गल तो बाद चांद साहब ने इन्हों के मुँह तो किया कि मैनू फोटो भेजी जे, लेकिन ये बंदे मनन तैयार नहीं। किसी एक बंदे की तो दिखा दे यार। चले मैं बाकी झूठा इल्जाम लगाना बहुत आसान है। शीन एक मैं बात बताऊं तुझे, 4 माह के बाद आई है ना, तो मैंने पहले तुम्हें नसीहत नहीं की थी जी, आंखें बंद करके कभी रिवाइज करना सारे अपने रिलेशन, तुम्हें सब पता चल जाएगा, कटाकटी निकल जाएगा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। और जान भाई उस बंदे की जो गलती है ना बहन, उस बंदे की जो गलती है ना वो बता दूं आपको, अब कोई भी बैठा हुआ हमारा कोई भाई है दोस्त है, किसी नून लीग वाले को गाली निकाल रहा है, टीएलपी वाले को गाली निकाल रहा है, या किसी आर्मी के ऑफिसर को गाली निकाल रहा है, ठीक है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और उसके ऊपर अपने कमेंट पास करके, मेरा आपका या चांद भाई का क्या राइट बनता है उसको पोस्ट करने का? सर मेरा चैलेंज है, अगर मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग जिद्द इन्होंने लोगों ने आर्मी को गाला कड़ियाँ या जजा कड़ियाँ,
ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਝੂਠ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੋ, ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਓ, ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਪੀਗੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀ ਹੈ ਲੱਕੀ ਕੀ ਮਾਂ ਕੋ ਗਾਲੀ ਦੀ, ਮੈਨੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੀ ਮਾਂ ਕੋ ਗਾਲੀ ਕਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਭੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਥੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਈ ਥੀ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਥਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਕੋ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਇਧਰ ਲਾਈਵ ਪੇ ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ। ਯਾਰ ਲੱਕੀ ਨੇ ਮੁਝੇ ਮੁਝੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ WhatsApp ਪੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਲੱਕੀ ਕੋ ਕਹਾ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਇਲ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਸਗੀਤੋਰੀਅਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਫ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਤਲੂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾ ਹੀ ਗੰਦ ਰਹੇ ਜੇ ਤਾਂ ਗੰਦ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਐਡੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸ਼ੀਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੀਆਂ? ਚੱਠੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਧਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮਲਕ ਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੇ ਹਮ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਤੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ, ਅਮਦਾਨ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਠੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਈਦ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹਮਦਾਨ ਭਾਈ, ਹਮਨੇ ਤੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਗਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਭੀ ਫਜ਼ੂਲ ਮੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੇ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਹਮ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਉਂਗਲੀ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਪੂਰੀ ਉਂਗਲੀ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਮੇ ਕਰਨੇ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ WhatsApp ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੋ ਉਸਨੇ ਕੀਆ ਵੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨੇ ਕਾ ਥਾ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ, ਹਮ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ, ਫਿਰ ਹਮਾਰੀ ਬਰੋਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਹਮਾਰੀ ਕਾਲ ਕੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਹਮਾਰੀ ਲਾਈਵੇਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋ। ਅਮਜਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਨੰਬਰ ਹੋਤਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ, ਮੈਂ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੂ, ਅਭੀ ਭੇਜੀਏ ਮੁਝੇ ਉਸਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕਾ ਆਪ ਲਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਭੀ ਮੁਝੇ ਭੇਜੀਏ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਭੇਜੂ ਅਭੀ। ਛੋੜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ, ਭਈ ਹਮੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਹਮਾਰੀ ਗਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੋ ਤਸਵੀਰ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੜੇਗਾ? ਵੋ TLP ਵਾਲੇ ਲਗਾਤੇ, ਹਮ ਸਮਝੇਂਗੇ ਉਨਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਔਰ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਨੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਭ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਡੋਂ ਪੇ ਬੈਠਤੇ ਹੈ, ਬਰੋਡੇ ਚਲਾਤੇ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਲੀਏ ਦੇਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਯੇ ਚੀਜ਼ ਤੋ ਹਮ ਚਲਾ ਲੇਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਸੀਗੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰੂਫ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜੇ 2 ਸਾਲ, ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਿਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਿਲਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਿਕਟੋਕ ਜੀ ਇੱਦਾਂ
खुद ही मतलब कि यह गल बंद ने इंज किया इन्हें इंज किया यार तुम लाइव बैठे जे बड़े बड़े गिले होंगे लेकिन मेरी ऐसा की तौरी है सर मेरी ये कभी गल नहीं हुई बिलाल यकूब है जी मेरे ना कभी गल नहीं हुई लेकिन खुद ही एक चीज़ ना अपने अंदर बनाई है होया कि एक लंबी स्टोरी है ये एक बंद ने गाला कड़िया इन्होंने ठीक है मैं वो सैड लै ली भी तुम उन्होंने गाला क्यों कड़िया जी उस बाद दूसरे पास आदर राजा जोड़ा वो रल के इन्होंने अलाउद्दीन गाला कटिया मैं अलाउद्दीन खड़ा हो गया भी तुम ज्यादा कर रहे जो वजह सिर्फ फादर राजा ने तलक बचाने वास्ते वो कहते जी आदर राजा ने भी रखो तो मरवत न भी रखो वजह सर मरवत है आदर राजा तो एक डस्टबीन हैगी जे वो बंदा तो सारी दिहाड़ी ढोलकी लैके बैठा जो वजाई जा रहा आर्मी 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 वजह क्यों की लैना है तुम ये इस तरह दंद पा रहे हो बड़ी रिकॉर्डिंगा चोरी इन्ना डाटा पे लोग मैं भेजते पे जो मैं तुम दिखावे लोग कर रहे एक क्लिप जो मैं तुम चांद साहब का शेयर करा जो कहें असं हक सच की गल करते हैं इतने बैठ के वो हक सच जे गल कर रहे ना भी सुनियो जरा वो आने वाले दिनों में मैं पूरी अपलोड करा देखियो जरा की हो रहा है ये सारे का सारा एक ड्रामा है खान साहब के नाम से क्योंकि सर मां की कोई गाल कटेगा या मां की फोटो लगाएगा और तुम उन्होंने डिफेंड करोगे इस तरह नहीं तो अपना लकी आम आदमी ने आम आदमी की तरह गल की अल्लाह हाफिज़।